ओम शांति, ओम शांति। और कोई मन में दुख, चिंता, कष्ट, बोझ नहीं रखना है। हाँ, बाबा के हम बच्चे बने हैं। बाबा ने कहा ये सबसे बड़ी सेवा है, अपने चलन से, चेहरे से, सूरत से सेवा करना, और सारा बोझ मुझे दे दो। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे, परमात्म बच्चे और बोझ, परमात्म बच्चे और मेहनत, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा क्या है? वो है हजार भुजा वाला। क्या है? और हम किसको देखते हैं? कोई समस्या, परिस्थिति, बातें आती तो किसको देखते हैं? तो बाबा ने कहा सोचो, तुम्हें ज्यादा कौन सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? तो बाबा कई बार कहते हैं कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती, परिस्थिति आती, तो इसका सहयोग मिल जाए, उसका, हम यही करते हैं ना, इसका मिल जाए उसका, और जब किसी का सहयोग नहीं मिलता तो लास्ट में किसको देखते हैं? बाबा आप ही तो हमारे हो, आपके सिवाय हमारा और कोई नहीं है। बहुत अच्छा रूहानी करते हैं। देखो भाई, हमारे ये दोस्त हैं, ये चारों तरफ से चक्कर लगाकर लास्ट में मेरे पास आवे तो हम इनको क्या बोलेंगे? भले इनको हम सहयोग करेंगे लेकिन एक शब्द जरूर बोल देंगे, अच्छा आप किसी ने मदद नहीं किया ना, आप आ गए मेरे पास। और बाबा ऐसा नहीं करते। जिस क्षण जिस बच्चे ने याद किया उसी क्षण बाबा हाजिर हो जाते हैं। तो सारी चिंताओं का, सारी समस्याओं का, सारी बातों का बोझ बाबा को देकर अपने आप को कैसे रखना है? खुश रखना है, हल्का रखना है, लाइट रखना है। यही सबसे बड़ी सेवा का साधन है। हाँ, हमें देख करके दूसरे हाँ कहेंगे भाई इनको ऐसा बनाने वाला कौन, ये कितना खुश रहते हैं, कितना आनंदित रहते हैं। और चेहरा लटका हुआ उदास हो तो मानेगा? वो कहेगा हमें तो विश्वास नहीं होता भाई, हाँ इनके चेहरे पर तो खुशी है नहीं, कहते हमें भगवान मिला है। और यदि हम खुश हैं, आनंदित हैं, तो हम चाहे सुनाएं या ना सुनाएं, हमें देख करके दूसरे परिवर्तन हो जाते हैं। और वो कहते हैं भाई जहां आप जाते हो वहां हमें भी ले चलो। तो इस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा, प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दूसरों की सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।